जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। साथ में बात करेंगे गाला टोकन के बारे में, काफी इश्यूज उसके ऊपर चल रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझाने की कोशिश करूंगा। जो लोगों ने ऑलरेडी गाला टोकन को परचेज करके होल्ड किए हैं, वो लोग मुझे लगातार पूछ रहे करना क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे समझने की कि भाई गाला का इश्यू क्या चल रहा है, टेक्निकल्स हमको क्या बोल रहे हैं, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है टेक्निकल्स कुछ ऐसे चीजें हमको बता रहे हैं जो कि फंडामेंटल्स नहीं बता रहे। तो ऑल ओवर डिस्कस करने वाले हैं, मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑल ओवर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कोशिश करो वीडियो को लास्ट भी करके एंड तक देखो। देखिए लास्ट वीडियो में प्यार तो नहीं बताया है, उसके लास्ट वीडियो में बताया था, तो भाई रिक्वेस्ट करता हूँ ज्यादा नहीं, 200 लाइक्स का टारगेट है, उसको कंप्लीट करने में हिट करने में मदद करो, ताकि यार चैनल की ग्रोथ हो जाए और ज्यादा व्यूवर्स तक हम पहुंच सके। गाला टोकन पे जाने से पहले सबसे पहले मैं बिटकॉइन का चार्ट एनालिसिस कर लूंगा, बिकॉज बिटकॉइन की अगर हम बात करते हैं तो ग्रे स्केल के पंप के बाद अगर आप डेली का चार्ट यहाँ पर देखते हो, तो यहाँ पर अगर हम गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रे स्केल का पंप मिला था, राइट है। ग्रे स्केल का पंप होने के बाद मार्केट वापिस डाउन आ गया, मल्टीपल रीजन इसके बताए जा रहे हैं, और नंबर वन जो फेमस रीजन है वो है कि भाई ETF डिले हुआ है। जो मल्टीपल ETF हमने लास्ट वीडियो में बात किया था जिसका अप्रूवल होने वाला था, लेकिन वो अप्रूवल इन द सेंस उसका डिसीजन डेट था, लेकिन वहां पर उसको डिले किया गया है। अब अगला जो डिसीजन डेट है, डेडलाइन डेट है बेसिकली, वहां पर भी पता चलेगा। और मेरे को आपको पहले भी बता चुका हूँ, आशंका यही है कि 2024 मार्च तक सब कुछ अप्रूवल हो जाए। ओके, तो फिलहाल बिटकॉइन जो टेक्निकली बड़ा खराब चल रहा है वॉल्यूम के हिसाब से, बिकॉज मार्केट में कोई वॉल्यूम नहीं है, ना ही बायर्स हमको देखने को मिल रहे हैं, ना ही सेलर्स हमको देखने को मिल रहे हैं। इन शॉर्ट पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, अगर मार्केट में बाइंग ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पर बाय करो, अगर मार्केट क्रैश होता है इस जोन के ऊपर तो फिर यहाँ पर भी आप बाय करो। जो जो जोन पे आपको परचेज करने का ऑप्शन मिलेगा वहां पर आप बाय करो, SIP करते रहो, क्योंकि यही एक बेस्ट ऑप्शन है लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करने का। नेक्स्ट, अब यहाँ पर अगर हम टेक्निकली बात करें DXY के ऊपर, जो कि मुझे काफी ज्यादा बुलिश देखने को मिल रहा है, क्योंकि लास्ट अगर आप क्लोजिंग देखेंगे और अगर आपने लास्ट वीडियो देखा उसमें भी हमने बात किया था कि मार्केट ऐसा लग रहा है करेक्शन कर रहा है और फिर रिवर्सल हो जाएंगे, और एग्जैक्टली जो लास्ट वीक का कैंडल था वो आप देखेंगे तो बिल्कुल एक आपको पिन बार टाइप कैंडल देखने को मिल रहा है, जो कि ये हमको साइन दे रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक बुलिश सिग्नेचर क्रिएट कर रहा है। ओके, तो मेन चीज तो यही है, क्या अगर DXY जो करंट वीक है अगर ये 104.5 के ऊपर क्लोजिंग करता है, राइट है, तो फिर कहीं ना कहीं DXY और ज्यादा ऊपर जाएगा, DXY और ज्यादा ऊपर जाएगा तो बिटकॉइन कहीं ना कहीं डाउन में जाएगा, इस चीज को आप याद रखो। अगर DXY वापस करेक्शन करना स्टार्ट करेगा तो फिर बिटकॉइन अप जाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, जो लोग डे ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको आइडिया नहीं मिल रहा है, तो भाई DXY के चार्ट को कोरिलेट करो और उसी के हिसाब से ट्रेड डिसीजन लो, आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ऑल ओवर अगर मार्केट की भी अगर हम बात करते हैं तो भाई अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बिटकॉइन 25,000 पे चल रहा है, इथेरियम की अगर बात करें तो बिल्कुल एक रजिस्टर्ड पर है, सपोर्ट पर है। अगर ये सपोर्ट इथेरियम को टूटता है ना तो फिर वहां से मार्केट डाउन साइड और ज्यादा क्रैश कर सकता है। बाकी तीतर तो हमारा स्टेबल कॉइन है, BNB से तो अभी सब लोग दूर भाग रहे हैं, XRP भी अभी दूर भाग रहे हैं लोग, फिर से स्टेबल कॉइन है। उसके बाद आता है कार्डानो काफी अच्छे प्राइस पर मिल रहा है, लेकिन अगर ये प्राइस तोड़ के डाउन में जाएगा तो फिर मार्केट आपका और भी ज्यादा क्रैश करेगा। तो इतना ही बोलूंगा, अल्टकॉइंस पे एंट्री तब बनाओ जब बिटकॉइन का बॉटम कंफर्मेशन हो जाए, वो वाला बॉटम नहीं, जो करेंटली करेक्शन हो रहा है ना वो करेक्शन का बॉटम कहां पर मिलेगा वो एक बार हमको कंफर्म हो जाए, उसके बाद आप बिल्कुल जाकर अपना एंट्री बनाना, री एंट्री में कहूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम एंट्री बना चुके हैं, तो री एंट्री बनाना स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं गाला टोकन की, क्यों बात करते हैं, क्योंकि भाई गाला का इतना बड़ा इशू चल रहा है, गाला का कहीं ना कहीं न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि गाला गेम्स फाउंडर बीफ ओवर 130 मिलियन थेफ्ट कॉर्पोरेट वेस्ट एलिगेशंस। यहाँ पर जो फाउंडर है और जो को फाउंडर है एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि भाई तुमने फिजूल खर्ची की है, फिजूल में अय्याशी की है, बड़े बड़े बंगला परचेस किया है, पता नहीं क्या 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 इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसे चीजों के अंदर जो कि वेस्ट ऑफ मनी है, मैंने बड़े बड़े जो बोट्स होते हैं उसमें पैसा उड़ाया है, कार्स के अंदर, लग्जरी की चीजों के अंदर पैसा वेस्ट किया है,
ऐसा एक दूसरे के ऊपर यहां पर ये दोनों एलिगेशंस लगा रहे। तो मुद्दा तो ऐसा छेड़ गया है कि भाई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट यहां पर चल रहा है और दोनों के दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कोर्ट के अंदर केस किया है। इसी रीजन के कारण गाला के अंदर हमको काफी ज्यादा बियरिश सेंटिमेंट हमको देखने को मिल रहा है। आप अगर नेगेटिव सेंटिमेंट अगर ट्विटर पे भी देखेंगे तो काफी ज्यादा लोग अभी बहुत ज्यादा बियरिश हो चुके हैं गाला को लेकर, और लोगों का ये भी कहना आ रहा है कि भाई गाला इज द नेक्स्ट FTX। तो सी सीधी बात है, जब भी मार्केट में कुछ नेगेटिव चीजें होती है तो लोग वहां पर बहुत कुछ कहना स्टार्ट कर देते हैं। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो आपको बता दूं, तो भाई टेक्निकल के हिसाब से देखो, मैंने यहाँ पर ड्रॉ भी करके रखा हूँ। टेक्निकल के हिसाब से तो मार्केट इस वाले सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, ओके, लेकिन कब तक होल्ड करेगा इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी टेक्निकल रिवर्सल साइन अभी तक नहीं देखने को मिल रही है वीक के टाइम फ्रेम में और ना ही डेली टाइम फ्रेम में। आ रही है बात समझ में? तो जो लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर गाला को परचेस करे क्या, काफी अच्छा बॉटम हमको देखने को मिल रहा है, तो मैं उनको बोलूंगा नहीं करो जब तक उनका जो सेटलमेंट नहीं होता है। क्योंकि देखो भाई, अगर इंटरनल कोई चीजें चल रही है तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ लोचा अंदर हो रहा है। अभी ये तो 130 मिलियन का लोचा दिख रहा है, लेकिन अगर बहुत बड़ा अगर कोई चीजें निकल के आती है तो ऑब्वियसली बात है इन्वेस्टर्स इनके जो थे वो इन लोगों पे से ट्रस्ट हटा देंगे और मे बी वो यहाँ पर सेल कर दे और मार्केट वहां से और भी क्रैश हो सकता है। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट का तो मेरे ख्याल से ना सोचो जब तक आपको टेक्निकल बेस इस बॉक्स के अंदर जो वीकली टाइम फ्रेम है इसके अंदर कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक्स नहीं मिलती है। क्योंकि मेरे लिए तो वही एक टेक्निकल इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो कि मार्केट को रिवर्सल करती है। तो ये एक जोन है, जो लोग एंट्री करना चाह रहे हैं तो इन चीजों पे वेट करो, देखो पहले क्या टेक्निकल कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिलता है तो फिर एंट्री बनाओ, वरना मार्केट से दूर रहो। सेकेंड चीज, अगर एंट्री बना भी रहे हो तो प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज करो टेक्निकल के हिसाब से, जो भी आपको रेशियो मिलेगा। अब बात आती है उन लोगों की जो लोगों ने पहले से परचेज करके रखा है वो क्या करें। तो देखिए, अगर आपने पहले से इन्वेस्टमेंट करके रखा है गाला के अंदर तो ऑब्वियसली बात, अगर आपने पहले से इन्वेस्टमेंट किया तो डिपेंड करता है आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ पर किया। अगर आपने ये टॉप पर परचेज किया तो सेल मत करो, ये टॉप पे किया तो बिल्कुल सेल मत करो, ये टॉप पे किया तो भी होल्ड करो, राइट है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कहीं बाय किया है और अगर आपका लॉस छोटा है तो मैं इतना बोलूंगा स्टॉप लॉस इसके बिलो लगा दो, राइट है। हाँ, बाकी अगर आपने यहाँ पर किया, यहाँ पर किया या यहाँ पर किया, तो फिर आप लोग, बस एक राय यही दूंगा कि आप लोग न्यूज के ऊपर, स्पेशली जो अभी करंट न्यूज चल रही है उसके ऊपर फोकस करो कि उसका आउटकम क्या आता है। अगर आउटकम न्यूट्रल आता है या पॉजिटिव आता है तो गाला वापस पंप कर लेगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आउटकम नेगेटिव आता है तो फिर गाला वहां पर डंप करेगा। देखिए, मैं क्यों होल्ड करने का बोल रहा हूँ आपको, यार ऑलरेडी अगर आपने यहाँ पर परचेज किया तो 90% करेक्शन में आप चल रहे हो। अगर आपका 10-20% का लॉस है तो मैं कहूंगा भाई बुक करके निकल लो। लेकिन अगर आपका लॉस बहुत बड़ा है कि भाई आपका पोर्टफोलियो ही खत्म हो जाएगा, तो फिर यार कोई मतलब नहीं आएगा, बेहतर यही रहेगा कि फिर इसको फिर शांति में होल्ड ही करो। अगर रिवर्सल हो जाता है तो फिर पैसा बन जाएगा। और मुझे कहीं पर भी नहीं लगता है कि मार्केट जब बियर बुल बुल रन स्टार्ट होने वाला है उसके पहले कोई नेगेटिव चीजें होती है कोई भी कॉइन्स के अंदर। जब बियर मार्केट होता है ना तब ज्यादातर मार्केट के अंदर नेगेटिव चीजें फैलती, जैसे FTX के साथ हुआ था, राइट है। तो आई थिंक न्यू एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, पुराना एंट्री अगर टॉप में बनाइए तो फिर होल्ड करो, न्यू एंट्री कोई मैं नहीं बनाओ। 10-20% का लॉस है तो फिर कल्टी मार के मार्केट से निकल लो, क्योंकि दोनों चीज हो सकती है। पॉजिटिव आएगा तो मार्केट निकल जाएगा अपसाइड के अंदर, लेकिन अगर नेगेटिव आता है तो वहां पर मार्केट ज्यादा पम्प कर सकता है। देखिए, एक अच्छी अगर मैं बात कहूँ ना तो मैं मार्केट में कुछ बताने के लिए फिलहाल है ही नहीं, तो बेहतर यही रहेगा कि आप कुछ सीख लो, राइट है, टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, उससे कुछ बेनिफिट उठा लो। इन्वेस्टमेंट करने से पहले सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट है। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स की लिंक दिया हुआ है, जाके वहां से कोर्स को देखो। और पहले 5 लोगों के लिए एक ऑफर चला रहे हैं हम, तो अगर आप चाहते हो तो वो ऑफर आपको कोड मिल जाएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, वहां से जाकर आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस, फिलहाल वीडियो को यहाँ पर एंड करना चाहूंगा। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो प्रॉपरली समझ में आ चुकी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड जय हिंद।